नमस्कार, मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के बिहारी बीघा गांव में। और इस गांव में हम ये जानने आए हैं कि यहाँ की जनता जो है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रही है, वो अगले चुनाव के बाद क्या फैसला सुनाने वाली है और किसे बिहार की कुर्सी पर बिठाने वाली है, और अपने क्षेत्र से वो कौन सा योग्य उम्मीदवार है जिसे अपना नेता यानी कि विधायक चुनने वाली है। ये बताइए कि आपका गांव के बारे में हमने सुना है कि काफ़ी जागरूक गांव है, पढ़ा लिखा गांव है, बहुत सोच समझ के निर्णय लेता है, तो ये बताइए कि आप लोग क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। हम लोग NDA के साथ हैं, बीजेपी या JDU। बीजेपी या JDU क्यों? इसलिए कि विकास करने वाली पार्टी है। हमारा जो नेता विधायक होंगे वो बाढ़ का ही कोई होना चाहिए, ये कि नहीं बाहरी। ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू पिछले 15 सालों से विधायक हैं, और उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? उनके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं कुछ, ठीक है। हमको चाहिए बाढ़ का बेटा जो कि विकास करने वाला हो, बस इसके सिवा कुछ नहीं। आपका बेटा अगर BJP ने कह दिया है कि आप हमारे प्रत्याशी हैं ज्ञानू जी को, फिर आप क्या करने वाले हैं? फिर बाद में सोचेंगे, अभी थोड़े सोचेंगे, फिर बाद में सोचेंगे। बाद में सोचेंगे आप NDA छोड़ करके महागठबंधन में जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो क्या करेंगे फिर? तो भविष्य ने बताएगा, फिर कोई BJP को हटा के JDU के लाता है तो उसके साथ रहेंगे। महागठबंधन से क्यों नफरत है? महागठबंधन से किस ले रहे हैं, उसमें कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है ही नहीं, तो उसमें क्या करेंगे? ये कह रहा है कि बिहार में परिवर्तन का बयार बह रहा है और मुख्यमंत्री जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्हें कोई अगला मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहता। अगला मुख्यमंत्री और कोई होंगे लेकिन NDA से ही होंगे। अब इसके बारे में हम अभी कैसे बता दें? लेकिन आपके जिसके आप सपोर्टर हैं उसके पार्टी के सुप्रीमो ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे। तो नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन हम लोग NDA का ही समर्थन करें। NDA का ही समर्थन करें जी। आप बताइए क्या सोच रहे हैं चुनाव को? मेरा तो अभी वोटर आई डी कार्ड ही नहीं बना है, हम कल सोचेंगे। आप बताइए। देखिए, हम सोचेंगे क्या, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और रही बात चुनाव की तो समय आएगा तो वक्त बताएगा, और चाहे कोई भी पार्टी हो, NDA हो, RJD हो, महागठबंधन हो, जनता के लिए नहीं सोचती है। जिस तरह का आज की स्थिति गांव की, जो रोड पे गाड़ी लगा हो, अगर आज किसी का इमरजेंसी आ जाए तो उसको बाहर निकलना बड़ी मुश्किल है। अभी की स्थिति हम बता रहे हैं, बात की तो बात की बात, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। हम वो तो वक्त बताएगा किसको वोट देंगे, सुयोग्य उम्मीदवार को चुन के उसको वोट करेंगे। ये बताइए कि ज्ञानू जी आपके पसंद के हैं या नहीं? नहीं, ज्ञानू जी 15 साल रहे, लगभग हैं 15 साल से, लेकिन वो घूमने नहीं आते हैं, उनको हम डिसलाइक करते हैं। पहले ठीक थे लेकिन अब घूमते ही नहीं हैं तो डिसलाइक। BJP ने, आपने भी इनसे पूछा कि BJP उनको घोषित कर दिया, BJP ने अभी कहीं लिख के नहीं दिया कि उनको उम्मीदवार घोषित कर दिया। वो दावा कर रहे हैं कि हमको घोषित, तो उनको दावा करने से थोड़े होगा। क्षेत्र में घूम भी रहे हैं? कहाँ घूम रहे हैं, कभी एक दिन भी नहीं आए हमारे गाँव में। गाँव में नहीं आए हैं, मैं खुद उनके साथ 2 दिन घूमा हूँ। आपने 2 दिन कौन गांव में घूमे, जरा उस गांव का नाम है? नदवा गांव में गए थे। नदवा गांव, सब गांव जितना भी नेता, अभी कल मितानी रज गई हुई थी नदवा, सब नेता नदवा जाने से थोड़े, नदवा से सब लोग चुनाव थोड़े जीत जाएंगे। देखिए ज्ञानू जी गए कि नहीं, घूम रहे हैं कि नहीं? एक गांव घूमने से नहीं ना होगा, अगर तो आप, तो आप उदाहरण दिया है, पत्रकार हैं आप, अगर एक गांव घूमेंगे तो आपका पूरा न्यूज नहीं होगा। हाँ, उसी तरह उनको भी पूरे बाढ़ विधानसभा के एक एक गांव में घूमना पड़ेगा। मैं वही बता रहा हूँ कि ज्ञानू जी हर रोज किसी न किसी गांव में जा रहे हैं। हमारे गांव में तो आप वोट करने वाले हैं कि नहीं? हम करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो समय बताएगा, वोट तो हम करेंगे ही, लेकिन किसको करेंगे ये हमारा मत है, मत बता के नहीं दिया जाता है। ज्ञानू जी को पसंद करते हैं या ना पसंद? नहीं, डिसलाइक करते हैं हम उनको। डिसलाइक करते हैं तो फिर वोट करेंगे या कि नहीं? वो हम स्वयं उम्मीदवार कल्पना नहीं है,
है, विकल्प है ना हमारे पास, आएगा। अभी अभी तो टिकट ही तय नहीं हुआ है तो हम कैसे बता। लगता है महागठबंधन के आप सपोर्टर हैं। हम सपोर्टर नहीं हैं, हम आपका जवाब चाहते हैं। निष्पक्ष होना चाहिए, आप एक पत्रकार हैं, आपको निष्पक्ष होना चाहिए। हम बिल्कुल बार बार आप महागठबंधन का क्या नाम ले रहे हैं? महागठबंधन का नाम क्यों, सवाल पूछने, सवाल से इतना घबराते क्यों है? सवाल पूछिए, सवाल तो वही पूछ रहे हैं कि अगर आप ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू को वोट तो नहीं करेंगे, डिसलाइक कर दिए, डिसलाइक करते हैं, अभी आपके पास ऑप्शन क्या बचा है भाई? कोई ऑप्शन नहीं, अभी जब तक किसी को टिकट नहीं मिल जाता है, ऑप्शन का चुनाव बाद में करेंगे, ऑप्शन का चुनाव बाद में करेंगे। हाँ, टिकट मिलने के बाद में। ये मतलब आप कह रहे हैं कि हम नोटा भी दबा सकते हैं? जरूर, हाँ जरूर। आप बताइए, हम जदयू के सपोर्टर हैं। सपोर्टर हैं, सीधे सपोर्टर हैं, उसी को करेंगे। क्यों ऐसा क्यों? हमको गांव में विकास किया है तब उसी को पढ़ेंगे। ये बताइए, नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि 15 साल से सत्ता में हैं और अब बहुत हो गया, बहुत दिन उन्होंने शासन कर लिया, अब किसी और के हाथ में होना चाहिए सत्ता। और नीतीश जी के राज में तो अभी चोरी चमारी भी कम होता है, नहीं तो हम लोग यहीं पर आते थे ना बाढ़ से, तो घड़ी या मोबाइल सामने में छिना जाता था हम लोग का 15 साल पहले। हमको खुद छिना गया था, अब दूसरा क्या बताएं, रास्ते में छिना जाता था। बच्चा पढ़ने जाता था ना इतना बड़ा, तब वो बेचारा उसका माँ बाप रोते जाता था कि मेरा बेटा किडनैपिंग हो गया। उकुल से तो अच्छा है ना अभी, उकुल से तो अच्छा है कि हाँ भाई किडनैपिंग। फिर नीतीश की सरकार, हम लोग तो उसी का सपोर्ट करेंगे। हाँ बस आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? हम तो ज्ञानो जी का नापसंद करते हैं, लेकिन NDA से जिनको टिकट मिल जाए, चाहे कोई भी हो, हम NDA के ही सपोर्ट करेंगे। से ज्ञानो जी को ही टिकट मिला है और ये करीब करीब कन्फर्म हो चुका है। कन्फर्म हो गया तो आदमी मजबूरी में ही देगा, मजबूरी में हम लोग दे रहे हैं, 10 साल से उनको दे रहे हैं, उनको इंसल्टी किए हुए हैं, नहीं 5 साल तो पहले दिए ही, अभी हम एंटी उनको समझते हैं कि वो नेता नहीं जिताएंगे उनको। मजबूरी में तो देना ही होगा, मजबूरी में देना होगा, ऊपर देखता है नीचे कोई नहीं देखता। 15 साल पहले हम लोग देख चुके हैं क्या है, अब 15 साल भी देख लिए हैं, फिर मजबूरी है जो कि देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जंगल राज की खौफ सता रहा है ना? सता रहा है, बिल्कुल सता रहा है एकदम। तो ये लोग वो हैं जो आज तक वो लालू राबड़ी के शासनकाल को नहीं भूले हैं और कह रहे हैं कि पहले उनके शासनकाल में कब कहां क्या हो जाए कोई नहीं जानता था, और इसका खौफ आज तक है। और अभी ये तेजस्वी यादव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, साफ साफ इनका कहना है। ये बताइए कि जो कहा जाता है कि जंगल राज था लालू रावड़ी के शासनकाल को, उसका खौफ आज भी है? हम लोग का तो डर है कि वो राज नहीं आए। हाँ, हम लोग का तो डर है कि अब कौन फिर मोबाइल और अपना घड़ी या बाइक कौन छिनवाएगा। अभी तो कम से कम दाल रोटी शांति से खाते हैं ना। ये बताइए कि आपको भी डर है कि मतलब जंगल राज आने का खौफ कहीं ना कहीं मन में है? बहुत है। ऐसी नीतीश कुमार जी उनको बना दिए उप मुख्यमंत्री और उन्हीं को नहीं सुनने लगे, उन्हीं को नहीं सुनने लगे, अपना मर्जी से काम करने लगे। तब ने नीतीश कुमार जी BJP में मिल के उसको फिर सरकार बनाए उसको हटा के। शराब तो खैर, शराब पर क्या बोला, तुम ही बोल दो शराब पर। शराब बंद कर नीतीश जी, लेकिन उस पर उनका कानून व्यवस्था सही से नहीं चल रहा है। गली गली एक एक गली में शराब बिक रहा है, वो कहाँ है अभी? इसलिए चालू कर दीजिए शराब, हम लोग रोज पीते हैं तो 20 रुपया में मिलता था कलाली में, आखने मिलता 50 रुपया में। लेकिन आप लोग की बातें मुझे समझ से मेरे परे है। एक भाई साहब ने मुझे गठबंधन का सपोर्टर कह दिया, ठीक है, लेकिन आप लोग दोहरी बातें बोल रहे हैं। आप लोग नीतीश जी का विरोध भी कर रहे हैं, उन्हें गलत भी बता रहे हैं, और फिर और नहीं नहीं तो आप ये बताइए, आप एक बार सपोर्ट कर रहे हैं, उनको गलत भी बता रहे हैं, और फिर उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? सपोर्ट जैसे देखिए, जो जो चीज पर वो गलती कर रहे हैं कि गली गली शराब बिक रहा है, कोई पुलिस आता है न कोई जाता है, गली गली बिक रहा है उस गली शराब। अगर वो फिर सत्ता में आएंगे तो गली गली क्या घर घर बिक सकता है शराब? अरे तो बिक ये रहा है ना भाई, तो फिर आवेंगे तो उनको चालू कर देना चाहिए। तो वो तो प्रतिष्ठित है कि हम बंद किए हैं तो हम चालू कैसे करेंगे? शराब का एक पॉलिथीन है जिसे भाई साहब दिखा रहे हैं कि ये देखिए बिहार का गौरव, ये बिहार का गौरव छपा हुआ है इस पॉलिथीन पे, और ये भाई साहब उठा करके फेंक रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ के लोगों का कहना है
कि गली गली में शराब मिलता है और नीतीश जी जो है शराब पे पाबंदी लगाने वाले नीतीश जी जो हैं वो शराब पे अंकुश नहीं लगा सके, सिर्फ कानून बना दिए। बिहार का गौरव को खेत में फेंका है आप। बिहार का समूचे बिहार में दो ही आदर्श गांव है, हमारा गांव आदर्श है। 80 लाख रुपया हमारा मुखिया को मिला। अच्छा। तो हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को वही नेता चाहिए जो हमारा क्षेत्र का हो। आप लोग को वही नेता चाहिए जो आपका क्षेत्र, कौन है वो नेता, कौन है? रणवीर कुमार सिंह पंकज। ये बताइए नीतीश जी को फिर मौका मिलना चाहिए। मिलेगा, हम लोग देंगे मौका, उनके सिवा और बिहार का कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री हम होंगे, क्योंकि बिहार की युवा जो है चाहती है कि अब बदलाव होना चाहिए। बदलाव करके क्या करेगा युवा? युवा के बदलाव भी अगर युवा करेगा तो फिर 15 साल पीछे चला जाएगा, फिर उसको 15 साल को पूरा करने के लिए कम से कम 30-40 साल लगेंगे, तो फिर हम क्यों जाएं पीछे की ओर, हम आगे की ओर क्यों नहीं बढ़ें? वो तो कहते हैं बिहार में सामाजिक न्याय के बाद अब आर्थिक न्याय होगा। जी नहीं, उनसे कुछ नहीं होगा। उनसे बड़े बड़े नेता हैं, उनमें कहाँ किसी को मुख्यमंत्री घोषित क्यों नहीं किया गया? उनसे बड़े बड़े नेता हैं राजद में, है कि नहीं? रघुवंश बाबू हैं, इन सब उल्टे वो फांसी पर लटका दिए, इस्तीफा दिए, क्यों दिए इस्तीफा? जब आपको अपना घर नहीं संभाल सकता है तो दूसरे को क्या संभालिएगा? बस हम लोग को विकास, शांति और एक ही देश दे सकते हैं कौन? तो सिर्फ एनडीए सरकार, और किसी के बस के नहीं है। ये बताइए कि एनडीए सरकार, लेकिन नीतीश जी की कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे है जो जनता जो है आलोचना कर रही है, कह रही है कि न शराब बंद है, भ्रष्टाचार चरम पे है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बताइए, किसी के बस के रोकना है? कुछ ना कुछ होगा ही होगा। मनुष्य के शरीर में 5 उंगली है, मेरे हाथ में तो 5ों बराबर नहीं ना है। घर में आप घर के गार्जियन है, आपके पास 20 गो बच्चे हैं, 20 आपके अंडर में हैं, नहीं ना है? यही कहानी है। अभी आपने बिहार के गौरव को उठा करके उधर खेत में फेंका, तो ये जो शराब के जो पाउच हैं अगर गाँव में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं जो गाँव के युवा खराब हो रहे हैं, जो शराब पीते हैं, 5 रुपया का शराब 50 रुपया में पी रहे हैं, आपको नहीं लगता कि मौजूदा सरकार को इस पे बैन लगाना चाहिए? सरकार बैन लगा रहा है, समझे? सरकार बैठा हुआ नहीं है, सरकार बैन लगा रहा है, लेकिन कोई भी काम धीरे धीरे होता है, समझे? बस 5 साल से ज़्यादा हो गया, 5 साल से ज़्यादा। किन का? मुख्यमंत्री का सत्ता शराब। जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, आप 5 साल की बात कर रहे हैं, उनके सिवा बिहार में मुख्यमंत्री लायक कोई चेहरा नहीं है। आप नीतीश जी के भक्त हैं? भक्त इसलिए रहेंगे, हम एनडीए, हम भाजपा के आदमी हैं, समझे? शुरू से 1984 में थे कांग्रेस के, 1984 से ही मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, मेरा 55 साल उम्र है, समझे? उसके बाद कांग्रेस छोड़े, जब से अटल बिहारी जी आए हैं बस उन्हीं का हम लोग भक्त हैं। एक चीज़ बताइए कि आप कह रहे हैं कि नीतीश जी के बारे में इतनी सारे लोग जो यहाँ के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि ना शिक्षा है, ना शराब पे बैन लगा वो है लागू कर पाए, कानून व्यवस्था भी चरमराई हुई है। कानून का तो ही राज है बिहार में, बिहार में कानून का राज है। अगर आप 15 साल पहले क्षेत्र में आते तो आप किडनैप हो गए होते, ये सब नहीं रहता हरपा सरपा। सब लेकर चल जाता, लोग तो घर से निकलते नहीं थे डर से, 5 बजे के बाद बाहर से इधर आने के लिए सवारी नहीं थी, हर मोड़ पर कहाँ छीना जाएगा सब कोई ठिकाना नहीं। ये जो महागठबंधन के लोग हैं वो कहते हैं कि ये सब जनता को गुमराह करने की साजिश है, और ये जो बीजेपी एनडीए वाले लोग हैं ये सब भ्रम फैलाते हैं ऐसे बोल करके। जनता पहले के जनता क्या थे? मैं हाई स्कूल जो है देख रहे हैं ना, 1984 में वोट दिए तो मात्र 6-7 आदमी गए थे वोट डालने, उसके बाद वोट दिए 15-20 आदमी गए, उस वक्त जनता हमारा क्या था? अच्छी था। अब हमारा समाज इतना शिक्षा से भरपूर हो गया है और हर किसी के पास अपना वोट का महत्व की जानकारी हो गया कि हमारा वोट का क्या महत्व है, पहले लोग नहीं जानते थे। 2005 आदमी गया मुखिया सरपंच करने को हो गया, अब वो बात नहीं है, अब सब पढ़ा लिखा है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम भी एक अच्छे नेता हैं, हमने भी एक विजन पेश किया है, क्या लगता है आपको तेजस्वी यादव में दम नहीं है? अब हमें इस बात की कैसे जानकारी हमको होगा? वो रहे उप मुख्यमंत्री, तो ये बताइए कि उप मुख्यमंत्री का पोस्ट कितना बड़ा पोस्ट होता है, तो आपसे जो बड़ा पोस्ट है तो उसके अंडर में आप रहिएगा कि जुतवे चल जाएगा सर पर, पैरवे पर रहेगा नहीं, बस चला गया सर पर चढ़ने लगा, बस चला गया विकेट गिर गया। लेकिन वो तो कहते कि सृजन घोटाला के डर से नीतीश जी भाग गए। घोटाला नहीं है बिहार में, कोई घोटाला नहीं है बिहार में, कोई घोटाला नहीं रहे है, विकास कहीं नहीं है जितना बिहार विकास में वो भी है। कह रहे हैं कि 68 घोटाला हुआ पूरे बिहार में, गिनाते रहेंगे घोटाला
घोटाला उनके पास आपके बचा हुआ है क्या? घोटाला की कैसी बात, उनके पास कोई चीज़ की जानकारी की है कि जो कोई मुद्दा है? नहीं नहीं, अगर अगर जो हमारा अभी विपक्ष चुनाव लड़ रहा है उसके पास कोई मुद्दा है बताइए? कोई मुद्दा नहीं है, सारा मुद्दा तो सोल्व हो रहा है। जितने भी मुद्दा थे समाज में, जो समाज में चाहिए वो सारा समाज को तो मिल चुका है, अब समाज को कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ इनका सरकार और रहना चाहिए, बस सब कुछ सही रहेगा। तो ये कहना है बिहारी बीघा के गांव के लोगों का कि नीतीश जी ही अभी अच्छे हैं। आपका वोट सरकार किसके साथ है? जो लायक हमें पसंद होगा उसे करेंगे, या कह नहीं जा सकता किसको करेंगे। और यह बाढ़ के जनता हर वक्त यह वोट देता है कि किस नेता कौन लायक है, कुछ मजबूरी बस किसी को दे देता है, कोई नया चेहरा बढ़िया बन के आएगा उसको वोट देगा, लेकिन किसी के पास कोई बाउंड नहीं है कि क्या कर सकता है। लोग लंबे लंबे भाषण दे देते हैं। 15 साल में नीतीश जी क्या किए, 15 साल में नीतीश जी कैसे काम किए हैं? अच्छा काम किए हैं जी हाँ। और कोई भी कहते हैं बाढ़ को जिला बना देंगे, ये सो तो सिर्फ एक नाम मुद्दा है, ये सब मुद्दा है। किसी को सुख चैन चाहिए तो जो व्यक्ति सुख चैन दे सकता है उसी को वोट देना चाहिए। ये तेजस्वी यादव से उम्मीद है सुख चैन की? हमें क्या पता अभी है, उनके बारे में हम क्या जानते हैं? कह रहे हैं कि हमको मौका दीजिए। हाँ तो मौका दिया जाएगा, लोग देंगे ही मौका, थोड़ी नहीं देंगे। आप दीजिएगा आप? ये भी कैसे कर सकते हैं, ये किसी का वोट के बारे में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है कि किसको देंगे। वोट के बारे में नहीं कह रहे हैं हम, तेजस्वी यादव के बारे में कह रहे हैं कि आप मौका देना चाहेंगे। जी नहीं, ये बाढ़ के जनता, छोड़िए ये सब बात छोड़िए। तेजस्वी जी अच्छा या नीतीश जी अच्छा? उस मामले में नीतीश जी अच्छा होंगे। हाँ तो सुना है आपने बिहारी बीघा की जनता की आवाज़, योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, बिहारी बीघा गांव, बाढ़ विधानसभा क्षेत्र।